सड़क पर फूट फूट कर रोती नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी को देखकर लोगों का कलेजा फट गया है। दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनके भाई अपने ही घर में उन्हें घुसने नहीं दे रहे। नवाज का घर टूटकर बिखर चुका है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या माजरा है। नवाजुद्दीन और उनकी पत्नी आलिया के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रोते गिड़गिड़ाते हुए आलिया सिद्दीकी ने एक वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि नवाज ने उन्हें और उनके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अभी नवाज के बंगले से आई हूँ और मेरे बच्चे हैं जो कि वहाँ बैठ के, वो बच्ची मेरी रो रही है, बहुत परेशान हो रही है और हमें बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है, ना मेरे पास घर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ। और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त और मुझे नहीं पता कि नवाज़ इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती है। इस इतना गिर चुका है नवाज़, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी बच्ची की जो हालत हो रही है, जिस तरीके की मेरे दो बच्चे की हालत हो रही है, वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ कि नवाज़ ने रात के मुझे इस वक्त 11:30 बजे 12 बज रहे और इस तरीके की रोड में खड़ा करके रखा हुआ है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ इस वक्त अपने बच्चे लेकर। वहीं दूसरा वीडियो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सामने आया है जिसमें उनके भाई अपने ही घर में उन्हें घुसने नहीं दे रहे। नवाजुद्दीन अपनी माँ से मिलने पहुँचे थे लेकिन उनके भाई ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। लेकिन अभी फिलहाल ये अम्मे का मामला है और अम्मे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो अभी तुम्हारी एक्स्ट्रा आइडिया है, बच्चे गए थे बच्चों तक तो मैं भी था, ठीक है बच्चे आ जाएंगे दिखने। जो तुम्हारी एक्स्ट्रा आई थे उन दोनों ने कर दिया, अभी कोर्ट में चला। तो मेरे ख्याल से अभी इतने अम्मे की तबीयत ठीक हो, वो इतना स्ट्रेस में, तो थोड़ा सा तुम्हारा अभी ना हो तो अच्छा है। एक तरफ नवाजुद्दीन का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ भाइयों से संपत्ति को लेकर भी उनका मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों ही नवाज ने अपनी जो भी पैतृक संपत्ति थी वो अपने सभी भाइयों के नाम कर दी, लेकिन बावजूद इसके उनका विवाद नहीं सुलझ रहा। वहीं नवाजुद्दीन की पत्नी संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रही है। इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ नवाज पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन नवाज अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। वो बस लगातार शूटिंग कर रहे हैं लेकिन इस मामले पर किसी से बात नहीं कर रहे और इसी वजह से इस पूरे विवाद की सच्चाई सही से सामने नहीं आ पा रही। अब जब तक नवाज चुप्पी नहीं तोड़ते तब तक वो ऐसे ही पिसते रहेंगे। वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।